हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। क्या आपने कभी घूमने वाली बिल्डिंग को देखा है या फिर आपने पांच अलग रंगों वाली नदी को देखा है? अगर नहीं देखा तो ये वीडियो में देख लो। दोस्तों, ये एक नई सीरीज है जिसका नाम है टॉप एपिक थिंग्स। इस सीरीज में आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। दोस्तों, ये एक बिल्डिंग है जो 2020 में बनके तैयार हुई थी और इस बिल्डिंग को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसमें हर एक फ्लोर को 360 डिग्री तक घुमाया जा सकता है। ये बिल्डिंग हर वक्त घूमते ही रहती है जिससे ये बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा शानदार लगती है। इस बिल्डिंग की खास बात यह है कि पहले लोग घर में एक ही नज़ारा देखकर काफी ज्यादा बोर हो जाते थे, लेकिन अब इस बिल्डिंग पर हर एक नज़ारा बदला हुआ दिखाई देता है। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए 12 साल तक का समय लग गया। इस बार मैं आपको दिखाऊंगा कि जो कार्स होती है ना, वो बनने के बाद कैसी डिस्ट्रॉय होती है उसे क्रैश टेस्ट में। तो ये देखो, ये जो वीडियो आपने देखा, ये क्रैश टेस्ट था। तो बाहर के देशों में बाइक चलाने का इतना शौक है कि वो मोटरसाइकिल को किसी और ही लेवल में ले जाते हैं। इस बाइक का नाम है लॉन्ग चॉपर बाइक। मेरे ख्याल से ये बाइक काफी मजेदार और इंटरेस्टिंग है। आपको ये बाइक कैसी लगी कमेंट में बताना। क्या आपने कभी पांच रंगों में बहने वाली नदी के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो ये सुन लो। कोलंबिया के क्रैनो क्रिस्टल में एक लौती नदी पाई जाती है जो पांच रंगों में बहती है। ये आप खुद ही देख सकते हैं कि ये नदी पांच रंगों में बह रही है, और इसी को देखने के लिए कई सारे लोग यहाँ आ जाते हैं ताकि वो इस शानदार नदी को देख सके। दोस्तों, असल में इस नदी के अंदर पांच अलग अलग रंग की काई पाई जाती है, जिस वजह से ऊपर से देखने पर यह नदी कुछ ऐसी दिखाई देती है। दोस्तों, लेम्बोर्गिनी एक सुपर कार है, लेकिन क्या आपको पता है कि लेम्बोर्गिनी का पहला व्हीकल कौन सा था? तो लेम्बोर्गिनी का पहला व्हीकल जो था वो एक ट्रैक्टर था। और एक और बात है लेम्बोर्गिनी के बारे में, दोस्तों दुबई और इटली के पुलिस चोरों को पकड़ने के लिए और इमरजेंसी सर्विस के लिए लेम्बोर्गिनी कार्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लेम्बोर्गिनी काफी ज्यादा स्पीड से चलती है। दोस्तों, आपने हमारा वीडियो पूरा देखा है, इसलिए एक बोनस इन्फॉर्मेशन मैं लाया हूँ सिर्फ आपके लिए। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों, साल 2019 में हुंडई ने अपनी एक ऐसी अनोखी कार लेके आया कि देखने वालों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। हुंडई की एक कार ना सिर्फ पहियों पर चलती है बल्कि इंसानों की तरह पैरों पर भी चलती है। मुझे इस कार को देखकर हॉलीवुड फिल्म ट्रांसफॉर्मर की याद आ जाती है। इस कार को प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए फ्यूचर में इस तरह की रोबोटिक कार का इस्तेमाल किया जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये हुंडई एक साउथ कोरियन कंपनी है। तो ये था वीडियो, कैसे लगा हमें कमेंट में बताना और वीडियो को दिल से लाइक कर देना। और एक सबसे अहम बात कि वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले। ठीक है, तो फिर हैव अ नाइस डे।